स्टेनोग्राफर पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मे बी आपको थोड़ा सा वॉल्यूम इशू हो क्योंकि ऑफिस में टाइम बहुत रहता है, बट वी कांट मेक वीडियो देयर, ठीक है। अभी रूल्स रेगुलेशन भी मालूम नहीं है, तो वीडियो इसलिए बनाया था, जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा इस वीडियो के ऊपर ही क्या लिखा है कि मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग कब होगी, ठीक है। तो मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग का जो टाइम था हम लोगों का, वो करीब एक महीने था, करीब क्या फिक्स एक महीने में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हम लोगों को मिल गया था, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़े, बट एक से डेढ़ महीने भी हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका मेडिकल हो, ठीक है, मेडिकल के टाइम ही जो पहले से ही स्टेनोग्राफर हैं या TA वगैरह हैं, टेक असिस्टेंट भी हैं, उनके लिए भी यही बात है कि आप सिटी प्रेफरेंस फॉर्म ज़रूर भरें। अलग से नहीं मिलता है, वो खुद नहीं बोलेंगे कि भर दीजिए, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। मैं भी गई थी मेडिकल में तो मुझे नहीं पता था, कुछ लोग भर रहे थे सिटी प्रेफरेंस फॉर्म, तो मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे हमें सिटी प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, एक ब्लैंक पेज दे दीजिए, तो आप ले ब्लैंक पेज लेके, ठीक है, और किसको रेफ़र करके लिखना, मतलब हम किसको लिखेंगे, टू द के बाद क्या लगाएंगे, तो उस ठीक है, तो टू द के बाद आपको वही लगाना होगा जो आपका मेडिकल का जो लेटर आया होगा मेल पे, उसके ऊपर नहीं लिख रहा था कि इस ऑफिस से ये आपको मेल आया है, ठीक है। या फिर आप अपने सीनियर्स यानी कि जो वहाँ पे पहले से ही जो पोस्टेड हैं किसी डिपार्टमेंट में, वो लोग अगर आए होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें रीज़न पसंद नहीं आता तो वो दोबारा से अप्लाई करते हैं, दोबारा से तैयारी करते हैं, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि ये सिटी प्रेफरेंस फॉर्म क्या होता है। कुछ लोग आपको बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जिस सिटी को वो चाह रहे हैं आप भी डाल दो और आपको मिल जाए उन्हें ना मिले। तो वहाँ के जो ऑफिस में जो सर लोग होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होंगे, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपने जो सिटी यानी कि जैसे आपको भोपाल रीजन मिला, भोपाल रीजन में बहुत सारी जगह, इंदौर है, उज्जैन है, प्रॉपर भोपाल है, छत्तीसगढ़ साइड भी है, तो आप उसमें अपना प्रेफरेंस लिख के दे सकते हैं कि मुझे ये जगह फर्स्ट नंबर पे मेरी प्रेफरेंस ये है, सेकंड नंबर पे ये है। जैसे कि भोपाल रीजन में कितनी सिटीज़ हैं जहाँ पे इनकम टैक्स के ऑफिसेज हैं, उसकी लिस्ट आप गूगल से निकाल सकते हैं और आपको जो सबसे ज़्यादा प्रेफर लगे उसको फर्स्ट नंबर लिख के कि फर्स्ट में मुझे ये प्रेफर चाहिए, दूसरे में ये चाहिए, ऐसा करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका मेडिकल के टाइम, ठीक है। और मेडिकल के टाइम ही अटेस्टेशन फॉर्म आपको मेल पे मिलता है, ठीक है। वो अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसकी दो कॉपी आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग भी लेके जाना होता है, तो ठीक है। मेल हमेशा मेल अपने मेल पर रखें, डिलीट ना करें, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाए हैं, ठीक है। ऐसा होता देखो ऑफिस में यार टाइम होता बट वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और उधर ऐसा परमिशन है भी नहीं, अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता, और घर पे नहीं बना सकते, घर पे मतलब बड़ी मम्मी पापा सोचेंगे कि अब पता नहीं क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे वीडियो कॉल कर रही है, तो बहुत सारे इशूज़ होते हैं, दैट्स वाई। और फाइनली मेरी गाड़ी ठीक है आ गई थी, ठीक है, मेरी होंडा डियो, ठीक है, जो कि मेरी दोस्त भी है। इस चक्कर में मुझे टाइम मिला, यहाँ पार्क है, ठीक है, भोपाल में हरियाली बहुत है, मुझे बहुत पसंद है ये इस टाइप का इलाका, ठीक है। और क्वार्टर मिलने का जो प्रोसेस है वो ऑफिस से वापसी में बनाएंगे वीडियो, उसमें आपको ज़रूर डालेंगे। तो मेडिकल के टाइम सिटी प्रेफरेंस फॉर्म भरना ना भूले, इफ़ यू वांट द सिटी ऑफ योर चॉइस प्लीज़। और अटेस्टेशन फॉर्म कैसा दिखता है वो अभी ऑफिस पहुँचते ही उस पर डाल देते हैं, किस पे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक दो कॉपी आप लेके जाइएगा मेडिकल में, कोई साइन वाइन कुछ नहीं करने होते, वहीं जाके भरना होता है। दो इसलिए बोला, अगर गलत हो जाए तो दूसरा यूज़ हो जाए। और मेल कभी डिलीट ना करें, ठीक है, इस टाइप के जो भी मेल हैं सेव करके रखें। अटेस्टेशन फॉर्म की दो कॉपी एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग भी लगेगी, वो अलग से नहीं आती, वो मेडिकल वाली ही वहाँ ले जानी होती है, ठीक है। चलिए, ओके, हैव अ गुड डे, बाय। ऑफिस जाना है अब रास्ते में।